हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर का आपको पता ही है कि पॉलीमर होता क्या है। जो मोनोमर से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। मतलब ये लार्ज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। इसके अंदर सेम मोनोमर भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के मोनोमर भी इसके अंदर रिपीट हो सकते हैं। जैसे हमने एमिनो एसिड वाला पढ़ा था, उसके अंदर हमने प्रोटीन किया था। ठीक है, तो प्रोटीन का मोनोमर हमने क्या देखा था कि एमिनो एसिड है वो क्या है, प्रोटीन का मोनोमर है। एमिनो एसिड यूनिट बार 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 रिपीट हो रही थी, और उससे क्या बना था, जब 10,000 टाइम एमिनो एसिड यूनिट रिपीट होती है तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है हमारे पास, एमिनो एसिड। तो ऐसे ही हमारे पास पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर एक मोनोमर यूनिट है, वो बार बार रिपीट होके पॉलीमर के सिंथेसाइज करती है। पॉलीमर हमारे पास, देखो पॉलीमर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे भी है इसका, मोनोमर्स के बेस पे भी है। तो फर्स्ट हमारे पास है होमोपॉलीमर। हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर पढ़ेंगे हम, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब, होमो का मतलब है सेम, मतलब जो एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मोनोमर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास इथाइलीन। इथाइलीन को हमने एन टाइम्स, मतलब पता नहीं कितने टाइम हम इसको, नंबर ऑफ एन, एन का हमारे पास कोई जीरो से लेकर, नहीं सॉरी, वन से लेकर ये इन्फिनिटी तक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इतने टाइम्स हम इसको एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, एक ही यूनिट, मतलब जो इथाइलीन है वो बार बार रिपीट होती है। और किसका सिंथेसिस होता है, पॉलीथीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए हमने इसको कहा है कि ये क्या है, होमो पॉलीमर है। को पॉलीमर क्या है, ए पॉलीमर मेड बाय टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर। मतलब इसके अंदर या तो दो टाइप के मोनोमर होंगे या दो टाइप से भी ज़्यादा मोनोमर प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको हम को पॉलीमर बोलते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है नाइलोन 6,6। इसके अंदर देखो हमारे पास दो टाइप के मोनोमर है, फर्स्ट है एडिपिक एसिड, सेकंड है हेक्जा मिथाइल डाइएमीन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, और हमारे पास क्या होता है, नाइलोन का सिंथेसिस होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और उससे हमारे पास बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमने इसको कहा है कोपॉलीमर। मतलब डिफरेंट टाइप के मोनोमर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये है हमारे पास इसमें एडिपिक एसिड, और ये है हेक्जा मिथाइलिन डाई अमीन। इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन आएगा OH, और यहाँ से हमारे पास एक एच आएगा, एक एच यहीं पे रहेगा, एक एच हमारे पास यहाँ से निकलेगा, OH+H ने मिलके क्या बना लिया, H2O। ठीक है, यहाँ से हमारे पास H2O निकलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। तो ये हमारे पास दो टाइप है इसमें, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है इसके नेचर पे, इसके सिंथेसिस के बेस पे, कि ये कैसे सिंथेसिस हुआ है। फर्स्ट था हमारे पास मोनोमर के बेस पे क्लासिफिकेशन, दो जो क्या था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब जो पॉलीमर हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, या फिर उनका जो सिंथेसिस है वो नेचुरली होता है, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। सिंथेटिक पॉलीमर वो है जिनका हम खुद से सिंथेसिस करते हैं जिनको, है ना, जो मतलब मैन मेड है उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, और जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना है, स्टार्च है ग्लूकोज से बना है, सेल्यूलोज है ये भी ग्लूकोज से बना है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक के अंदर आप नाइलोन 6,6 पढ़ सकते हो, टेफलोन पढ़ सकते हो, है ना, पॉलीथीन पढ़ सकते हो, ये सारे हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है। अब हमारे पास आता है मैकेनिज्म, या प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, की सिंथेटिक पॉलीमर को हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हम दो टाइप से करते हैं, फर्स्ट होता है एडिशन और सेकंड होता है कंडेंसेशन।
एडिशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं और कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। देखो एडिशन का मतलब है एक दूसरे के साथ ऐड होना, और कंडेंसेशन का मतलब है कि कोई एक मॉलिक्यूल उससे बाहर निकलेगा और फिर उसके अंदर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नाम से ही हमें आइडेंटिफाई हो जाता है एडिशन मतलब बार बार उसका सिर्फ एडिशन हो रहा है, उसके अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। लेकिन कंडेंसेशन के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, फर्स्ट है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर हम थ्री टाइप्स से पढ़ सकते हैं इसको, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन या फिर आयनिक, और आयनिक के बाद हम आयनिक के अंदर हम दोनों पढ़ सकते हैं कैथोडिक और एनोडिक। ठीक है, सॉरी इसमें कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक मतलब जिस जो पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से होता है, और एनायनिक जो नेगेटिव चार्ज की हेल्प से होता है। और फिर इसमें थर्ड है जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन, मतलब जो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट है उसकी हेल्प से जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल के अंदर फ्री रेडिकल बनता है, आयनिक के अंदर आयन जनरेट होता है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और जिग्लर-नाटा के अंदर क्या होगा, ये जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट की हेल्प से होता है। तो फर्स्ट है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जनरली टेक प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, मतलब इसके जो मोनोमर यूनिट है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये थ्री प्रोसेस के अंदर होता है, थ्री स्टेप होते हैं हमारे पास इसमें। तो थ्री स्टेप कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट है हमारे पास चेन इनिशिएटिंग स्टेप, सेकंड है चेन प्रोपागेटिंग स्टेप, और थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप।